जौनपुर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्हनी के विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने हमसे बेहतर यूपी की सरकार चलाई है। राजनाथ ने मोदी सरकार की तारीफ भी की और तारीफ करते हुए कहा कि आज दुनिया के किसी देश की हैसियत नहीं है कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसी संस्था होता है जिसमें आपका भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। हमारी पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति वादा करे तो भले ही पूरा ना हो, लेकिन पार्टी कहेगी तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे देशों में जो हिंदू, सिख, ईसाई जो जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं, उनके लिए हमने नागरिकता कानून को बनाया, जिसकी कोई भी भारत में आना चाहता है और आ सकता है, उसे भारत की नागरिकता दी सके। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल में है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया गया है, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत दुनिया के मंचों में जब सब कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो भारत को आग दिखा सके। हम भारत का मस्तक भी कभी झुकने नहीं देंगे। भारत की ताकत बढ़ी है, यह गौरव की बात है। अब हम बॉर्डर पर वार करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर उस पार जाकर भी उनको सबक सिखाकर आ सकते हैं। उन्होंने भोजपुरी में बोलते हुए जनता से पूछा कि क्या आप लोग इससे पहले कभी इतना खाद्यान्न कभी पाए थे या खाने के लिए बाद उसको बेचे भी थे? आज सीधे आपके खाते में किसान सम्मान आपके पास पहुँचते पहुँचते 10 पैसा पहुँच जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था। इसके पहले पूर्व मंत्री महाराष्ट्र कृपा शंकर और मल्हनी प्रत्याशी केपी सिंह के जनता को संबोधित किया। केपी सिंह ने कहा कि 2014 में हमारे खिलाफ वोट कटवा लड़े थे, उस चुनाव में उनका स्थान चौथी थी, इस बार उनको 5वें पर भेजकर उनको बता दीजिए कि जनता भाजपा के साथ है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सुनील तिवारी ने किया। उक्त अवसर पर जिला महामंत्री सुशील मिश्रा, सुधाकर उपाध्याय, प्रमोद यादव, सुरेश गुप्ता, जिला प्रवासी संजय सिंह टाइगर, अश्वनी पटेल, ओम प्रकाश सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, सतीश सिंह, पाड़िनी सिंह, मनोज सिंह, राम हित निषाद, अमोद सिंह, रागिनी सिंह, मंडल अध्यक्ष गर्जितेंद्र मिश्रा, भूपेश सिंह, अजय मिश्रा, नगेंद्र विश्वकर्मा, पवन जी, विनोद सिंह, दीपांशु सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए जौनपुर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। 1000 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 6000 का 6000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने वाला। हमारा यह मानना है भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषा देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता। कई ऐसे समाज के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने प्रभावी तरीके